भाई टाटा के तो क्या कहने, मतलब सच में टाटा के क्या ही कहने। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टाटा मोटर्स ने पहले ही आग लगा रखी है। हम सभी जानते हैं कि टाटा नेक्सन देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसके साथ ही टाटा देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स पेश करने वाली कंपनी भी है। वहीं अब कंपनी सीएनजी सेगमेंट में भी अपनी धाक जमाने की तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई है। जी हाँ, टाटा अपनी ऑल्ट्रोज और पंच को डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ सीएनजी वेरिएंट में लॉन्च करने वाली है। वहीं इन सभी के बीच टाटा की माइक्रो एसयूवी पंच ने बिक्री का एक बड़ा ही शानदार रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑटोनस पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा और आज मैं आपको बताने वाली हूं टाटा पंच के इस नए रिकॉर्ड के बारे में। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए आपको बताते हैं कि क्या नया रिकॉर्ड इस मिनी एसयूवी ने अपने नाम दर्ज किया है। दरअसल हाल ही में टाटा पंच ने 1.75 लाख यूनिट यानी कि 1,75,000 यूनिट की बिक्री का एक बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया है। आपको बता दें कि कंपनी टाटा पंच को अक्टूबर 2021 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और इसकी लॉन्चिंग के बाद से ही लोगों के बीच इस कार का क्रेज देखने को मिल रहा है। चलिए आपको भी बता दें कि भाई इस कार में आखिर ऐसा है क्या जिस वजह से इसकी डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा है। टाटा पंच अल्फा ARC प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और ये मिनी एसयूवी अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। बता दें कि ग्लोबल NCAP से टाटा पंच को एडल्ट ऑक्यूपेंसी के लिए 5-स्टार रेटिंग, तो वही बच्चों की सुरक्षा के लिए 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसी के साथ पंच में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा, कॉर्नरिंग लैंप्स और ISO फिक्स टायर माउंट जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। टाटा पंच इंजन एंड पावर ट्रेन। टाटा पंच मौजूदा समय में 4 ट्रिम्स, प्योर, एडवेंचरस, अकॉम्प्लिश और क्रिएटिव वेरिएंट में अवेलेबल है। वही बात करें इंजन की तो ये 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो की हमें टियागो और टिगोर में भी देखने को मिलता है। वही इंजन 5-स्पीड मैनुअल या फिर 5-स्पीड AMT के साथ आता है जो की 84 BHP पावर के साथ 113 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। टाटा पंच फीचर्स एंड कलर ऑप्शन। टाटा पंच में मिलने वाले फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, ऑटो एयर कंडीशनिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, क्रूज कंट्रोल के साथ एक 7-इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। और इसके अलावा ये माइक्रो एसयूवी 7 डुअल टोन कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। टाटा पंच प्राइस। अब आखिर में बात करें टाटा मोटर्स की इस सबसे सस्ती मिनी एसयूवी की कीमत की, तो कंपनी टाटा पंच को 6 लाख रुपए एक्सेस शोरूम की शुरुआती कीमत पर पेश करती है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट के लिए 8.87 लाख रुपीज एक्सेस शोरूम कीमत आपको चुकानी होगी। आई होप कि अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि भाई टाटा पंच को क्यों देश में इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। महज 6 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में ये कार आपको एसयूवी का मजा देती है, शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, देश की सबसे सस्ती 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है, बढ़िया फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। अब कोई कंपनी इतनी कम कीमत पर इतनी बढ़िया गाड़ी पेश करेगी तो भला कोई क्यों इसको खरीदना नहीं चाहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और साथ ही अगर आपका बजट भी 6-7-8 लाख रुपए का है तो क्या आप इस एसयूवी को खरीदना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।